सब तो वध योगदान पंजाब दिंदा आ रहा है पिछले कई सालों तो। इस बार 180 लाख मीट्रिक टन जिहड़ा झोना है वो असी सेंट्रल पूल च देवांगे। कुछ दिक्कतां सी, कुछ दिक्कतां वह ने जिहड़ियां पिछले 2 साल तो उपजिया हुई ने, इस बार उन्होंने डर है कि कितने पिछले साल वांगू ना हो। सब तो वध योगदान पंजाब दिंदा आ रहा है पिछले कई साल तो। इस बार 180 लाख मीट्रिक टन जिहड़ा झोना है वो असी सेंट्रल पूल च देवांगे। कुछ दिक्कतां सी, कुछ दिक्कतां वह ने जिहड़ियां पिछले 2 साल तो उपजिया हुई ने, इस बार उन्होंने डर है कि कितने पिछले साल वांगू ना हो। जिहदे विच मिलिंग वालिआं दी इक दिक्कत है कि जिहड़ा चौल है नवंबर 15 तो बाद उहदी मिलिंग जदों शुरू हुंदी है तां उहनूं जिहड़ा स्पेस जिहड़ी है वह प्रॉपर क्रिएट की जाए ता कि नवा चौल जिहड़ा उत्थे रख्या जाए, पहलां वाला जिहड़ा पिआ उहनूं पिक किया जाए। कुछ दिन पहलां मैं मंत्री साहब नाल गल की सी प्रहलाद जोशी जी नाल, तो उन्होंने शुरू भी करवाती सी जिहड़ी डिलीवरी शुरू कराती सी पंजाब चों जिहड़ा चावल पिआ पिछले साल वाला चक्कना 7 लाख मीट्रिक टन हुण तक चक भी लिया गया। तो हुण अज उन्होंने ये मंग असी रखी है तो उन्होंने बिल्कुल ये जोर दे के विश्वास दे के गल कही है कि असी पंजाब तो ही सारा PDS वास्ते भी चाहिए तो पंजाब तो ही लेना है जो अनाज है, तो असी जिहड़ा वो 120 लाख मीट्रिक टन इस वक्त साडे पंजाब दे स्टोरां च जिहड़ा चौल पिआ जिन्हों इन्हां ने वादा किया कि 31 मार्च तक असी जिहड़ा क्लीयर कर देंगे, तो ताकि अगला चौल जिहड़ा नवंबर तो बाद उहदे वास्ते मिलरां कोले स्पेस हो। सो एक तां मंग जिहड़ी उन्होंने कायदा तौर पर कहता। दूसरा ये वास्ते सानू जिहड़ा उहदे वास्ते सानू पहला DO लैटर भी आया होया लिखती रूप च गवर्नमेंट वल्लों। दूजा सीगा कि कई बार की हुंदा कि किसे शैलर नू अलॉट कर दिता जाता है झोना, पर अचानक कह दिता जाता नहीं संगरूर नहीं तुहाडा जिहड़ा झोना पठानकोट जाके लाओ हुशियारपुर जाके लाओ, तो वो जी ट्रांसपोर्टेशन है वह शैलर वाले दे पल्यों पैंदी सी। तो उहदे बारे मंत्री साहब ने बकायदा तौर पर इस गल ते तां 10-15 सैकेंड भी नहीं लाए कि बिल्कुल जे इस तरह हुंदा है कि जिहड़े जगह जिहड़े शैलर नूं अलॉटड है उस जगह पर जे कितें होर लैके जाना पैंदा सारी ट्रांसपोर्टेशन जिहड़ी है सेंटर सरकार दी होगी। दो मंगा होगी। तीजी सीगी कि जिहड़ा जदों झोना आउंदा है लगदा है ड्राइज वाली जिहड़ी है सुक जांदा जिहड़ा झोना उहदा रेट घट जांदा, उहदा 0.5% हुण दित्ता जांदा, असीं 1% की मंग कर रहे हैं। तां उन्होंने कहा कि कई स्टेटां होर भी मंग कर रही ने, तो IIT खड़गपुर दे विच स्टडी चल रही है कि जिहड़ा ड्राइज है ये किन्ना किहड़ी फसल का किन्ना हुंदा ते इहदा किन्ना कंपनसेशन देना चाहिए, तो उहदे च पंजाब दे सैंपल भी ले जा रहे ने, तो वह जल्दी इस स्टडी दे जदों आजूगा तो वह कहिंदे भी जिहड़ा साडा रूल है उहदे च इह है कि 50 तां असीं तुहानूं शोर करदे हां 0.50 ते इस तो बाद एक्चुअल जिहड़ा होगा वह जां स्टेट क्लेम जो करूगा वह उन्होंने मैनूं रूल दिखाया। इस तो अलावा पंजाब जिहड़ा है वह पंजाब ते हरियाणा सेंट्रलाइज प्रक्योर सिस्टम दे अंडर आउंदे ने, क्योंकि साडे कोल प्रक्योरमेंट सिस्टम दोनों स्टेटां कोल बहुत वधिया है, मंडीकरण सिस्टम बहुत वधिया है, साडे कोल लखां दी गिणती च लेबर कम करदी है, 5000 तो उपर शैलर है, आड़ती ने मुनीम ने उन्होंने रखे हुए उन्होंने CA ने, सो बहुत सारा इकोनमी जुड़ी हुई है, तो बाकी सारा देश जिहड़ा वो डिसेंट्रलाइज्ड विच है। असीं उन्होंने कहा कि सानू सेंट्रलाइज जिहड़ा कानून है पंजाब हरियाणा लई उहदे जिहड़े प्रिंसीपल्स ने
उन्होंने फॉलो कर लो तो साड़ियाँ बहुत सारिया समस्यावां दा हल हो जूगा। तो नाल दी नाल असीं इह वी कह के जे तुसीं सानू कुछ होर देश वास्ते कुछ होर चाहिए, पल्सिस चाहिए ने, दालां चाहिए ने, सरों चाहिए, नरमा चाहिए, कपाह चाहिए, मक्की चाहिए, तुसीं सानू दसो असीं तुहानू उह उगा के देवांगे। पर इह है कि सानू उहदी MSP ते उहदी प्रोक्योरमेंट की सानू गरंटी दे दो। असीं खुद भी साडा किसान झोने तो खेड़ा छुड़ाउणा चाहुंदा, साडा धरती थलड़े वाला पानी जिहड़ा उह भी खत्म हुंदा जा रहा। सो बाकी आड़तियां का जिहड़ा एक सीगा इशू है, 2.5% जिहड़ा पहला MSP दे नाल अटैच हुंदा सीगा उहनां दी आड़त दा, ते उह बाद दे विच फाइनांस डिपार्टमेंट ने उहनूं 46 रुपये करता सी। असीं इह मुद्दा उठाया, उह कहिंदे वी अगली मीटिंग दे विच असीं इह जिहड़ा इह लैंदे आ कि उहनां नूं प्रोपर जिहड़ी आड़त मिलनी चाहीदी है। इह ना होवे कि उपरों महंगाई वध रही है ते उहनां दा जिहड़ा इनकम जां प्रॉफिट उहनां दा उह घट हो रहा। आड़तियां दी वी असीं जिहड़ी है उह मुद्दा उठाया ते उन्होंने पॉजिटिवली लिया। ते बाकी जिहड़ा हाईब्रिड दे सैंपल PR20 है, ये तो चलो असी वरायटी कढ़ी है पंजाब ने और इहदी तारीफ भी की उन्होंने कि PR 126, क्योंकि यह सिर्फ 92 दिन लैंदी है पक्कण दे विच, ते जिहड़ी पूसा 144 है वह 152 दिन लैंदी है, यानी कि 2 महीने वध पानी ते वध पराली, ते इहदी पराली भी घट है। सो उहदा थोड़ा जिहा ये है कि घट निकलता है, झाड़ तो ठीक है पर चावल वो चो थोड़ा कहो हुंदा, उहनूं कंपनसेट करन लई असीं पंजाब सरकार वल्लों भी उन्होंने पहला अशोर किया होया, ते बहुत सारिया मंगां जिहड़ियां लगभग उन्होंने अशोर कीतियां ने कि असीं तुहाडे नाल हां और असीं पंजाब तों ही लैणा जो लैणा, क्योंकि जां केरला जां तमिलनाडु जो चावल पैदा 4-5 स्टेटी करदे ते चाहिए भी है। तो वह कहें पिछले साल जोड़ा हो गया जब उदू पर पिछला साल वो क्योंकि कुछ हालात इस तरह के हो गए थे देश के कि वो असी प्रक्योर नहीं कर सके जब चक नहीं सके, सो हूँ इदा की कोई दिक्कत नहीं आऊगी। सो इस गल मैं सारे अफसर का भी धन्यवाद करदा, तो उधरों मिनिस्ट्री वालों भी जोड़े अफसर से पंजाब सरकार वालों जो अफसर से बड़े अच्छे तरीके असी अपना जो समस्या मैं दसी, और मंत्री साहब ने खुला टाइम दिता, तो सानू उम्मीद है कि जिहड़ा सीजन आने वाले दिनों च हुण हजे तो सिर्फ 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन ही आ रहा पर डे, ये 10 लाख मीट्रिक टन से जाऊगा आने वाले 2-4 दिन मालवे चो हजे झोना आने लगे, तो 180 लाख मीट्रिक टन असी देश के अनाज भंडार के योगदान पावे अगे PDS राही वो हर एक घर जाऊगा, क्योंकि जिहड़ा चावल है चौल है जिहड़ा वो असी 99% असी देश नूं ही दिंदे हां, क्योंकि चावल जिहड़ा पंजाब दी जां पंजाबियां दी खुराक नहीं हैगा। गेहूं दे विचों तां असी रख लैंदे हां 50% घरें, क्योंकि असी आप भी अपनी खुराक लई रखणा हुंदा। सो इस बार बंपर फसल हो रही है और CCL दे पैसे जिहड़े ने सानूं पहुँच गए 41,000 करोड़ रुपया, ते किसान नूं फसल दे पैसे नाल दी नाल विदिन 24 आवर्स उहदे खाते चले जाते। देखो जो मामला जो आड़ती है शैलर किसान तो अज भी ट्राली लेंदी है नाल दी नाल तुलाई, अगे तुलवाई तो अगे जी शैलर तक का सफर है ना वो प्रॉब्लम, किसान तो नाल दी नाल जो तक अगली ट्राली लेके आओ तो उदों तक उन्होंने पैसे मिल जाते। सो क्योंकि इंटरलिंक्ड है आड़ती है किसान तो शैलर वाला, सो असी नहीं चाहते किसी भी कोई खजल खुआरी हो, दाना दाना चक्या भी जाऊगा, देश में लोड़ है अपना PDS के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश में चावल की लोड़ है, तो होर भी असी क्या भी जे तुम कोई होर दालों दूलों वाल जो लैके जाना चाहते हो, पर सानू ये मेक श्योर करो कि तुम खरीदोगे तो बकायदा वह भाव मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी इंश्योरेंस मिली है और मुझे लगता है कि ये मामला जो है क्योंकि पंजाब हरियाणा ऐसी स्टेटें हैं जहाँ पे हर 4 या 5 किलोमीटर के रेडियस में मंडी है और हमारा मंडीकरण सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, बस यही है कि उनको उठाने का पुराने माल को उठाने का और नए के लिए स्पेस बनाने का वही मामला था, और एक दो जो पिछले दिनों या कोविड के कारण जो अभी उसके रिजल्ट आ रहे हैं जो कट लगे थे वो अभी वापस आ जाएं और सबको उनका काम का
पैसा मिले, प्रॉफिट मिले और सब खुश रहे, हम तो यही चाहते हैं। तो पराली काफी कम हुई है सर, आपने पहले पत्र लिखा था वो आ रही है, डीएपी आ रही है, डीएपी प्रॉपर उसमें आ रही है, ठीक है ना दिल्ली, मतलब जो डीएपी है वो अभी नवंबर में चाहिए होगी हमें गेहूँ के लिए, लेकिन उसका जो प्रॉपर जो हमारा स्टॉक है वो आने लगा है, क्योंकि गेहूं तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, चावल से ज्यादा देश को गेहूं की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से, रशिया में जंग की वजह से गेहूं जो आता था वो मतलब बंद हो गया है, तो अभी हम गेहूं जो है वो हम भी पूरा गेहूं देश को नहीं देते, क्योंकि हमने खुद रखना होता है, तो इसलिए उन्होंने भी कहा है कि गेहूं की फसल को और बढ़ावा दीजिए। मैंने कहा जी गेहूं की फसल तो पानी भी कम लेती है और वैरायटी और अच्छी कोई ज्यादा प्रोडक्शन वाली अगर आ जाए।